टुडे वी विल बी सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स बिकॉज वी हैव बीन गोइंग टू थ्योरी एंड थ्योरी, तो थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस? द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेल इज मेड अप ऑफ स्टील हैविंग रेजिस्टिविटी at 20 degree as 6 into 10 power minus 8 ohm meter. Well, by the way, this is question from exercise. So, jo aapke book ke piche exercise question hai, usme se hai, very interesting question. You know, aapko pata hoga railway tracks, railway track mein there are two rails, hai na, do rails hote hain, and then you must have seen this. So, aisa kuch hota hai usme. To dono mein se ek hi rail ka, one of the rails, इसका रेजिस्टेंस पूछा है और आपको गिवन में यू हैव बीन गिवन लेंथ लेंथ ऑफ द ट्रैक आपको दिया है लेंथ ऑफ द ट्रैक आपको दिया है 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर मतलब टोटल 20 इंटू 10 पावर 3 मीटर ये लेंथ मिल गया. आगे आपको टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री वैसे हमको लड़ने वाला है नहीं सिर्फ 20 डिग्री क्यों दिया है क्योंकि रेजिस्टिविटी भी 20 डिग्री पे दिया है बिकॉज आपको पता है रेजिस्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर वी हैव ऑलरेडी सीन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होगा. तो यहाँ पे दोनों 20 डिग्री पे दिया है इसके लिए यू डोंट हैव टू वरी. अगर ऐसा दिया होता कि 20 डिग्री पे रेजिस्टिविटी दिया है और यहाँ पे 25 डिग्री दिया है तो 25 डिग्री पे पहले रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करो. ओके सो यू हैव टू डू दैट. द क्रॉस सेक्शनल एरिया वो जो रेल होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. द रेल इज मेड अप ऑफ स्टील हैविंग रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको दी है 6 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओहम मीटर. ओके देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस बिकॉज दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है. देन फॉर्मूला आपको पता होगा रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए सिंपल फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट आर आर इक्वल टू रो और रो की वैल्यू आपको दी है 6 इंटू 10 पावर माइनस 8 और ये आपको दिया है 20 इंटू 10 पावर 3 नहीं लेंथ इज 20 इंटू 10 पावर 3 मीटर अपॉन एरिया इज 25 इंटू 10 पावर माइनस 4. तो सबसे पहले क्या करना कि पावर ऑफ 10 ये 20 इंटू 10 पावर 3 मतलब 2 इंटू 10 पावर 4. तो बेसिकली मैं इसको हटा के यहाँ पे 10 पावर 4 लिख लेता हूँ 10 पावर 4 कर लेते हैं. अब आप देखो ऊपर 10 पावर माइनस 8 और प्लस 4 मतलब माइनस 4 नीचे भी माइनस 4 तो कैंसल ये और ये हो गया कैंसल. ऊपर है 12 नीचे है 25. अब यू हैव 12 एंड 25 ऑलवेज रिमेंबर जब नीचे 25 हो तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. इससे क्या होगा अगर आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1 जा और 4 जा 12 4 जा 48 और ये 100 ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 2 0.48 ओहम हो गया आपका फाइनल आंसर. दिस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेल. नेक्स्ट क्वेश्चन अ बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग यूज हैज ईएमएफ 24 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओहम. Calculate the maximum current drawn from the battery. Can this battery drive starting motor of car? अब ये तो हम directly answer नहीं कर सकते लेकिन what we can answer is what is the maximum current. So what is given to us? We have been given number one EMF. So EMF small e or capital E doesn't matter 24 volt. And internal resistance small r that is 380 ohm right then we are supposed to find out maximum current. So aapko find karna hai Imax. Bahut simple question hai
नथिंग कैन बी सिंपलर देन दिस, बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड ओम्स लॉ पता होगा, V इक्वल टू आई आर, तो V की जगह पे सिर्फ E लिखोगे, क्योंकि EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर मोर और लेस द सेम क्वांटिटीज, सिर्फ EMF में इतना है कि EMF इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट, और ये जो टोटल एनर्जी था इट वॉज यूज टू ओवरकम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जिसको आप बोलते हो, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम ओनली एक्सटर्नल, तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बोथ आर सेम विद ओनली डिफरेंस कि जब हम EMF की बात करते हैं तो यूनिट चार्ज जो है बैटरी के अंदर से निकलेगा, पहले वो बैटरी के रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज देयर, और फिर बाकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF, क्योंकि EMF में इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करना है और टर्मिनल में सिर्फ एक्सटर्नल को ओवरकम करना है, तो इंटरनल में दो तरीके से यूज होता है, टू ओवरकम इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बट टर्मिनल वोल्टेज इज टू ओवरकम ओनली एक्सटर्नल, तो दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज, तो V इक्वल टू आई आर या फिर E इक्वल टू आई आर इज द सेम, तो E इक्वल टू आई मैक्स इंटू आर, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो आई मैक्स कितना मिलेगा आपको, E बाई आर, खत्म, E कितना दिया है 24, आर कितना है 380, इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड यू विल गेट वट एवर यू गेट, इट्स एक्चुअली वेरी इजी, 24 वन जा और अगर नीचे 240 होता 10 जा, ओके नीचे 380 है, 380 व्हाट इज 2415 जा, 2415 जा 360 राइट 360 वेट वेट वेट, ये है 1 अपॉन 16 के आसपास, roughly 1/16 approximately right, 1/16 is 0.06 something, yaad hoga na 1/16, 1/2 matlab kitna 0.5, 1/4 iska bhi half 0.25, 1/8 0.125, 1/16 0.0625, तो ये अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/16 रफली, तो इट इज रफली 1/16, तो ये आएगा आपके पास 0.062 समथिंग समथिंग, अब एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो 0.068 करेक्ट है, तो एग्जैक्ट आंसर अगर आप करोगे तो इट इज 0.068 एम्पियर, करेक्ट, अब यहां तक तो हो गया, हमको करंट तो मिल गया, बट इन्होंने पूछा है कैन दिस बैटरी ड्राइव स्टार्टिंग मोटर ऑफ कार, हमको नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि फिर उसके स्पेसिफिकेशन दिए गए आपको, जैसे आपके चार्जर पे लिखा होता है कितना एम्पियर, राइट, हमको बताया गया नहीं, तो वी कैन नॉट आंसर, तो दैट्स इट, फॉर श्योर वॉट वी नो इज दिस कैनॉट बी यूज टू ड्राइव स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार, क्योंकि स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार का बैटरी बहुत बड़ा होता है, उसका करंट कैपेसिटी और वोल्टेज बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो इट कैनॉट बी, बट एनी वेज क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन देने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, A, calculate resistance of the resistor, मतलब external resistance पूछा है in short, क्योंकि internal तो दिया है, और आपको पूछा है is connected to a resistor, battery को connect किया to a resistor, मतलब किसको, external resistor को connect किया. Number B, calculate terminal voltage of the battery when the circuit is closed. तो बहुत simple है, and in this case I will also
बेसिकली ड्रॉ डायग्राम सो दैट इट्स मोर क्लियर. अगर आपको याद होगा हमने अभी रिसेंटली रिसेंटली वी हैव सीन वी हैव अप्लाइड ओम्स लॉ टू कंप्लीट सर्किट. हमारे पास क्या था, एक कंडक्टर था, कंडक्टर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था कैपिटल आर. देन हमारे पास था एक सेल जिसका ईएमएफ है ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर. मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस शो करने के लिए रेक्टेंगल डॉटेड रेक्टेंगल आप यूज करते हो, राइट. फिर अगर आपको याद होगा तो हमने इस सर्किट पे ओहम्स लॉ अप्लाई किया था, राइट. और मैंने आपको ये भी बताया था कि ओहम्स लॉ जब अप्लाई करोगे अल्टीमेटली यू शुड नो ये जो स्मॉल आर और जो कैपिटल आर है दे आर इन सीरीज, ये सीरीज में होते हैं, दिखते पैरेलल में है लेकिन होते सीरीज में. ऐसा क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन इट इज नंबर वन कि सेम करंट पास होना चाहिए. अब एक ही सेल है तो करंट आए होगा, वो इस आर से भी पास होगा, वो स्मॉल आर से भी पास होगा. नंबर टू, सीरीज कॉम्बिनेशन का और एक डेफिनेशन बताया था मैंने कि दो रजिस्टर में एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए, दे शुड बी कनेक्टेड इन सेम सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ विथ ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. अब एक ही कॉमन है कैसे, ये देखो ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर का एक पॉइंट एक टर्मिनल कहां जा रहा है, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को, करेक्ट. कैपिटल आर का एक टर्मिनल कहां पे है, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को. वेयर एज इंटरनल रेजिस्टेंस का कहां पे है, नेगेटिव, राइट. तो ये दोनों पॉइंट सेम है क्या, नहीं है. कैपिटल आर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ये पॉजिटिव को है और इंटरनल का एक नेगेटिव को है, तो ये पॉइंट कॉमन नहीं है. तो पॉइंट कौन सा कॉमन है, देयर इज ओनली वन पॉइंट कॉमन, देयर इज ओनली वन पॉइंट कॉमन दैट इज दिस वन. मतलब ये पूरा लाइन कॉमन है बेसिकली, राइट. तो रिमेंबर दिस इज नथिंग बट सीरीज रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में है. गुड, देन अगर सीरीज में है ये पता लग गया तो आप डायरेक्टली भी इक्वेशन लिख सकते हो. सीरीज में क्या होता है आपको पता है, सीरीज में रेजिस्टेंस इज आर वन प्लस आर टू, तो V इक्वल टू यहाँ पे E इक्वल टू क्योंकि ईएमएफ है, E इक्वल टू आए आर वन मतलब कैपिटल आर और आर टू मतलब स्मॉल आर. फिर ये आ जाएगा आपके पास E इक्वल टू आई आर प्लस आई टाइम्स ऑफ स्मॉल आर. इसी को हमने दूसरे तरीके से लिखा था. If you remember, मैंने आपको बताया था EMF के डेफिनेशन यूज करके, EMF के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो EMF है, ये EMF दो काम करता है. कौन से दो, इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है और एक्सटर्नल को ओवरकम करता है. अगर आपको याद होगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हमने लिया था V और इंटरनल के अक्रॉस लिया था V ऑफ R. फिर हमने लिखा था E इज V प्लस VR. फिर हमने बोला था कि ये IR है और ये I स्मॉल R है. तो देखो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन, राइट. तो आप बेसिकली या तो EMF का डेफिनेशन यूज कर सकते हो या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. आई वुड बेटर प्रिफर कि आप ये समझ लो कि दीज टू आर इन सीरीज, वो डायरेक्ट आएगा फिर. तो दीज टू आर इन सीरीज तो वो इक्वेशन आपको डायरेक्ट मिलने वाला है, तो याद रखना, तो हम वो यूज करेंगे बाद में. तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस. आप गिवन में क्या क्या है आपको, आपको गिवन क्वांटिटीज में दिया है ईएमएफ, ईएमएफ मतलब ई कितना, 12 वोल्ट, ओके 12 वोल्ट. एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओहम. इट्स कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, वी डोंट नो व्हाट इज अ रेजिस्टर, कैपिटल आर पता नहीं. एंड करंट आपको दिया है, हाउ मच इज द करंट, 0.5 एम्पियर. Now you are supposed to find out A. A that is external resistance, capital R, और दूसरा terminal voltage, मतलब capital V. Terminal voltage मतलब इन दोनों points के across. हाँ तो capital V. तो terminal voltage B is ये आपको find करना है V. And formula you already know now. और अगर नहीं याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस लिख देंगे. E इक्वल टू आई कैपिटल आर
प्लस आई स्मॉल आर, यहां से ई माइनस आई स्मॉल आर इज आई कैपिटल आर, यहां से आपको मिलेगा आर इक्वल टू ई माइनस आई आर अपॉन आई, या फिर आप इसको लिख सकते हो e by i minus ir by i, मतलब only small r, ठीक है, this is what you will use, clear यहां तक, पक्का, all of you are following me, very good, number two, v equal to ir, तो अभी पहले r ऊपर से find करो और यहां पे substitute करो, i तो दिया है, good, then here in this case what you will have is number one, r equal to e by I minus small r, e कितना 12, अब मैंने यहां पे इसको छोटा ही लिखा है, इसको कैपिटल e लिख देते हैं, doesn't matter, by I, I कितना था minus 3, अभी 12 by half is 24, ये 24 minus 3 is 21, so this is nothing but 21 ohm, so ye aa gaya 21 ohm, part b, v equal to ir, v equal to ir, i kitna hai 0.5, aur ye kitna aaya 21 ka half kitna hoga 10.5 volts, right, so that is okay, just one cross check, ये जो वोल्टेज है ये टर्मिनल वोल्टेज है, किसके अक्रॉस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करेक्ट, ये हमेशा ईएमएफ से कम आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ईएमएफ दो काम करता है, टू ओवरकम इंटरनल एंड टू ओवरकम एक्सटर्नल, और टर्मिनल वोल्टेज एक ही काम करता है, टू ओवरकम एक्सटर्नल, तो 12 से कम आना चाहिए 10.5, तो दैट इज करेक्ट, तो दिया भी होगा शायद, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, वैसे दिया होता है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन अ कॉपर वायर इज 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट इज टू आइडेंटिफाई पैरामीटर्स, क्या बोला है वो पता होना चाहिए, और उसके लिए यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, आपको बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन कॉपर वायर इज 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी है जे, ये आपको दिया है 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज, मतलब एन, आपको याद होगा हमने देखा था एक पैरामीटर एन, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हुआ था एन, स्मॉल एन, नॉट कैपिटल एन, कैपिटल एन डिनोट्स टोटल नंबर, स्मॉल एन डिनोट्स नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे नंबर पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम 8.47 × 10^22, 8.47 × 10^22 पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड कैलकुलेट करने के लिए बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कॉपर वायर, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको दे के रखा है 1.6 × 10^-19 कूलम, and then it is a simple, very simple question, you are supposed to find out drift velocity dd, or aapko formula yaad hoga humne drift velocity ka formula derive kiya tha j upon n e, right, j pata hai, yes, n pata hai, yes, e pata hai, yes, substitute karo and just solve, simple, so drift velocity vd is j, जे इज 500, अब एक काम करना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको स्पीड मिलेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, आखिरी में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो हियर जे इज 500 अपॉन एन, एन था 8.47 × 10^22 एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10^ समथिंग समथिंग, तो ठीक है, तो दिस इज 10^22, दिस इज 1.6 × 10^-19,
अब इसका रफ कैलकुलेशंस कर सकते हो, एग्जैक्ट करना पड़ेगा लेकिन रफ भी कर सकते हो। कैसे? 10^-19 और 10^22, 10^3 ऊपर जाएगा तो -3, और ये क्या है 500 है। 500, एक काम करो 1.6 का पॉइंट हटा दो, 16 × 10^-20, -20 और ये दो, ओके तो इट इज 10^2 बचेगा, राइट ओके ऊपर 500। हाँ, और यू नो व्हाट इज 16 × 3 व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान दो, चलो यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये ऊपर था 500, नीचे था 8.47 × 10^22 और -19 हो गया 10^3 + 3 और ये आ गया 1.6। अब एक काम करो, इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 2, 4 में 1.6 मतलब 16 × 10^-1, ओके तो दिस इज व्हाट यू विल हैव। अब आगे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, साइड में करके इसको लिख देते हैं 10। मैं आपको रफ कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, क्योंकि आपको तो एग्जैक्ट करना है, आपको लॉग लेना है फिर एंटी लॉग करना है, फिर अगर गड़बड़ गड़बड़ हुई कि नहीं वो कैसे समझेगा, कैसे समझेगा 16 × 1 = roughly 3 जा, ये 1 × roughly 3 जा, क्योंकि नीचे 8.47 मतलब 9, 1/3 = 0.33, ये ऊपर गया 10^1 और 10^-2 मतलब 10^-1 तो 0.03 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसा मिलना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा आंसर है। तो अब एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करने के बाद, ये अप्रोक्सीमेशन करने के बाद नहीं, एग्जैक्ट सॉल्व करने के बाद मिलता है 3.69 × 10^-2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमको भी यही मिला 0.03, सिर्फ इतना है कि अगला नंबर हमको नहीं पता था क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली किया है, तो इसके आगे आपको मिलता है 0.0369 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको आपने लिख लिया 3.69 × 10^-2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो 10^-2 मीटर पर सेकेंड, तो 3.69 × 10^-4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका है फाइनल आंसर विच इज राइट, दिस इज व्हाट यू विल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रजिस्टर्स 10, 20 and 30 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई बाय नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब बैटरी का जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नहीं है ऐसा समझ के चलो, ऑब्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच मतलब ठीक है, व्हाट आई विल डू इज पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारे पास है 3 रेजिस्टर्स और तीनों की वैल्यू आपको पता है R1, R2 और R3, 10, 20 एंड 30। इसको कनेक्ट किया है सीरीज में, तो यू हैव कनेक्टेड दिस इन सीरीज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कनेक्ट किया है। देन इट इज देन कनेक्टेड टू बैटरी मतलब सेल, और सेल का वोल्टेज मतलब EMF कितना है 12 वोल्ट, तो दिस इज 12 वोल्ट, गुड दिस इज EMF, राइट। देन आपको पता है ये R1, ये R2 और ये R3, आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा V1, यहाँ पे होगा V2 और यहाँ पे होगा V3, करेक्ट। देन आपको V1, V2, V3 तो फाइंड करना ही है, पर सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है, विच इज सिंपल। तो V1 में आपको है R1 10 ओम, R2 विच इज 20
20 ohm R3, which is 30 ohm. Then you have potential total EMF basically. Okay. EMF bola hai? Yes. 12 volt ka supply. Dekhte hain baad mein. You have 12 volt supply, which is 12 volt. Okay. Then you are supposed to find out two things. Find number one. Number one, RS, series equivalent. Number two, V1. Then you are supposed to find out V2 and you are supposed to find out V3. Clear cut bola hai? Find out drop of potential. Okay, good. Across each resistor. So V1, V2, V3 find karna hai. Formulas bahut simple hai. Extremely, extremely simple. Number one, RS is R1 plus R2 plus R3. Then we will solve that, but V1 is IR1. I1 R1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सीरीज है. सीरीज में करंट सबसे जाता है. सेम, वेरी गुड. तो V1 इज IR1, V2 इज IR2, V3 इज IR3. तो इन जनरल V इक्वल टू IR. लेकिन V इक्वल टू IR तब अप्लाई करोगे जब I पता होगा. I आएगा EMF से. तो EMF E will be IR series. क्यों ऐसा? क्योंकि ये E तो तीनों के अक्रॉस कनेक्टेड है ना. हाँ, तो E will be equal to IRS. IR1 नहीं, IR2 नहीं, IR3 नहीं, IR1 plus R2 भी नहीं. टोटल तीनों के तीनों. तो इसलिए क्या लिखोगे? यहां से I मिलेगा, यहां से I मिलेगा E upon RS. तो ये I मिल जाने के बाद आप ये I की वैल्यू V1, V2 और V3 में यूज करोगे. अब सॉल्यूशन बहुत सिंपल. RS जैसे आपने बताया 10 प्लस 20 प्लस 30 मतलब कितना? 60 क्या किलोमीटर? ओहम, वेरी गुड. नंबर टू, अब V1 इक्वल टू IR1 नहीं कर सकता क्योंकि I पहले पता होना चाहिए. I इक्वल टू E अपॉन RS. E कितना? 12. ये कितना? 60. 1/5 एम्पियर. गुड. देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज V1 IR1. I इज 1/5, R1 इज 10. दिस इज 2 ओहम, राइट? हाँ, 2 वोल्ट. नॉट ओहम, वोल्टेज है वो. V2 इक्वल टू IR2. I 1/5, R2 20 मतलब कितना? 4. V3 इक्वल टू IR3 1/5 30 कितना? 6. अब ये सही है कि गलत? इन तीनों को ऐड कर लो. 6, 4, 10 और 2, 12. तो 12 था क्या? बराबर. गुड, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू रजिस्टर्स 1 kΩ एंड 2 kΩ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पिछले क्वेश्चन में सीरीज था, इस क्वेश्चन में पैरेलल है. सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब ऐसा दिखाओ, ठीक है, डजंट मैटर. यू कैन शो इट समथिंग लाइक दिस आल्सो, जस्ट ओके. तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. 1 kΩ इसको R1 नाम दे देते हैं, 2 kΩ इसको R2 नाम दे देते हैं, डजंट मैटर. फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोक, क्योंकि आपको पता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस पुट डाउन गिवन. R1 1 kΩ, R2 इज 2 kΩ. के मतलब किलो, मतलब 10^3. ओके, अब आपको बोला है फाइंड. यू आर सपोज टू फाइंड नंबर वन. फर्स्ट केस क्या बोला है फाइंड करने के लिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, मतलब RP. नंबर टू, व्हेन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट सप्लाई, मतलब मैंने इसको अगर 9 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दिया. इफ आई कनेक्ट दिस विथ 9 वोल्ट सप्लाई, तो इन दैट केस
बाय नेग्लेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का रेजिस्टेंस नहीं है, सेल का रेजिस्टेंस नहीं है, भूल जाओ उसको, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच, करंट थ्रू ईच, क्योंकि आपको पता है ये टोटल करंट आएगा फिर यहां से I1 थ्रू R1 एंड I2 थ्रू R2। तो सेकंड एंड थर्ड मतलब सेकंड केस में आपको I1 और I2 फाइंड करने के लिए बोला है, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू, ओके I1 एंड I2, गुड, ये फाइंड करना है। और आपको वोल्टेज E, EMF E, या फिर इसको V भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना 2 वोल्ट, राइट, देन 9 वोल्ट, ओके 9 वोल्ट, 9 वोल्ट, फाइन, गुड। अब इसको E या V क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ईएमएफ में क्या होता है, दिस एनर्जी प्लस इंटरनल को ओवरकम करने में लगेगा वो इंटरनल। देखो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में एक ही डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था, ईएमएफ इज एनर्जी रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल ही नहीं है तो ईएमएफ एंड वोल्टेज आर सेम। इंटरनल नहीं होने, जब नहीं होता है इंटरनल, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ आर सेम, रिमेंबर दिस, ओके। तो ठीक है, अभी इतना पता है तो फॉर्मूला आपको पता होंगे, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल थिंग फॉर्मूला। पहला क्या फाइंड करना है, आरपी, सिंपल, आरपी वन अपॉन आरपी कितना होता है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। बी आपको फाइंड करना है करंट, बी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू बी बाई आर, है ना, राइट, आई वन इक्वल टू वी वन बाई आर वन, राइट। लेकिन वी वन क्यों लिखूंगा, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसके लिए ये आएगा, और I2 will be V upon R2, सिंपल। तो अब एक एक करके सॉल्व कर लो, वेरी सिंपल थिंग। सो हियर यू विल हैव 1 upon RP, 1 upon R1, which is 1 kilo ohm, and R2 is 2. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. 3 by 2. Okay, 1 upon RP hai ye. It is 1 upon RP. So RP will be 2 by 3 kilo ohm. Ho gaya. 2 by 3 is 0.66. 0.66, ठीक है, then in case number B, current I1 will be V by R1, V कितना 9, R1 कितना 1 किलो ओम, किलो मतलब 10 पावर 3, ऊपर गया तो 9 into 10 पावर minus 3 एम्पियर, इसको आप बोलते हो मिली, तो 9 मिली एम्पियर। और I2 will be V upon R2, V is again 9 and R2 is 2 into 10 power minus 3, तो ये ऊपर जाएगा, नहीं प्लस 3, प्लस 3 ऊपर जाके माइनस होगा, ओके, तो ये ऊपर जाके माइनस होगा, 9 by 2 is 4.5, 10 power minus 3 ampere, तो 4.5 milli ampere, हो गया क्वेश्चन खत्म। That's it for today. We will stop at this question.